मिस्टर डेठमल पुरसुराम हिसाब हैदराबादी आमलन जे गुलराजाणी कुटुंब मां हैदराबाद शहर में 1988 ईस्वी में ॼावो हो। ही उहो ई साल हो जंहिंमें आल इंडिया कांग्रेस जो पायो पियो हो। हिन इब्तिदाई तालीम हैदराबाद शहर में वरिती। सिंधी पढ़ण खां पोइ अंग्रेज़ी पढ़ियई। ॾिसण में अचे थो त कॉलेज जी का डिग्री हासिलु करे न सघियो हो। हिनखे नंढे हूंदे खां ई सतसंग जो शौक़ु हूंदो हो। उन ज़माने में कॉलेज शागिर्दु मिस्टर वाधूमल चेनाणीअ हिकु हिंदू कुमार मंडली क़ाइमु कई हुई, जंहिंमें नौजवान शागिर्दनि खे ज्ञान ऐं कर्म जी सिखिया ॾिनी वेंदी हुई ऐं मंझंदि समाजी ख़िदमत जो अंगु पैदा कयो वेंदो हो। इहो उन में शामिलु थी कमु करणु लॻो। उन्हनि शागिर्दनि जो सूफ़ी मत ऐं थियासाफ़ीअ जी तालीम तरफ़ लाड़ो हूंदो हो। सनन मता हक़ हुसन ख़ैर ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस हूंदा हुआ। उन वक़्त में भाई कलाचंद नाले हिकु दरवेश हैदराबाद में रहंदो हो, जो भाई केशाराम जी शिष्य हो। जे भाई दिलपत सूफ़ीअ खां ज्ञान वरितो हो, उन जे टिकाणे में हर छंछरु राति सतसंगत थींदो हो, जिते सूफ़ी दरवेशनि जो राग थींदो हो। भाई कलाचंद पिणु ॻाईंदो हो ऐं ॻाईंदे वजद में अची वेंदो हो, जंहिंजो असरु सारी मजलिस ते छाइजी वेंदो हो। काको मंगाराम ऐं वाधूमल चेनाणी सभु हिते वेंदा हुआ। उन ज़माने खां वठी नौजवान रुहानी रब्ज़ जी ॻोल्हा ऐं अभ्यास में मशगूलु रहियो। उन ॾस में पोइ हिन शाह अब्दुल लतीफ़, सचल सरमस्त, सामी, दलपत, बेदल, बेकस, रुअल, मुराद फ़क़ीर ॿियनि केतिरनि सिंधी सूफ़ियुनि जे शहर जो ऊनो अभ्यास कयो। पाण बि कुझु शहर जे आई तखलस गुलराज हुअसि। अदन सवाइ हिंदुस्तान जे मुखिया दरवेशनि गुरू नानक, कबीर भगत, मीराबाई, कालीदास जे कलाम मां बि पूरी वाक़फ़ियत रहिया आहिनि। न रुॻो एतिरो पर मगरिब जे मुखिया शाइरनि शेक्सपियर, शेली, टेनिसन, गोइटे ऐं ॿियनि जे कलाम खे बि पूरी तरह परोड़ियो हुआ आहीं। पारसी शहरनि मां रूमी, हाफिज़, ख़्वाजा फरीदुद्दीन अतार ऐं मंसूर जे नुक़्तनि मां बि वाक़फ़ियत हुयसि। हिन दुनिया जे मुखिया मज़हबनि जो अभ्यास कयो। सनातनी धर्म, सूफ़ी मत, सिख पंथ, ॿुध धर्म ऐं ईसाई जे किताबनि जी चङी ॼाण हुयसि। क़ुर शरीफ़, वेद शास्त्र, सरीमत, भागवत, गीता ऐं बाइबल जो घणो अभ्यास कयो ऐं थियासिफ़िकल सोसाइटी में दाख़िलु थियण करे रोम ऐं यूनान जी क़दीम रुहानी तालीम मां बि सबक पिराया हुआ आहिनि। उन खोजना बाद हू उन राज़ खे परोड़ियो वियो हो त जमली मज़हबनि जी ज़ाहिरी कसरत पुठियां बुनियादी वैद समायल हुई। सिंधी शाइरनि ऐं दरवेशनि जे कलाम में बि अहिड़ी तालीम जो ज़ोर समायल ॾिठो हुओ ऐं चवंदो हो त सिंध देश खे उन रस में दुनिया लाइ ख़ासि पैगाम ॾियणो आहे। जो संदसि दरवेशनि पंहिंजे कलाम में पेश कयो, पाण सॼी उमिरि उन पैगाम जी मशनरी थी गुज़ारियई। संदसि ज़बान मां रुअल फ़क़ीर जो ई बेत हमेशह ॿुधबो हो त हिकु हिंदू, ॿिया मुसलमान, टियों विच विधाऊं वेर, अंधनि ऊंधा न लहे, तन खे सच चवंदो केरु, रुअल राह पीरीअ जी जॾहिं घुमी ॾिठोसीं घेड़, त रब मिड़ी में हेकिड़ो तंहिंमें फंद न फेर। हिनखे तकरीर ऐं तहरीर में ख़ुदा दा दात हुई। हू तकरीर वक़्तु गीता, करनत, क़ुर शरीफ़, इंजील, शाह सचल शैले वग़ैरह मां हवाला ॾींदो हो। हिन ते डॉक्टर एनी बेसेंट जो ख़ासि असरु वेठल हो, जंहिं हैदराबाद में नेशनल कॉलेज फुलेलीअ ते 1917 ईस्वी में बरपा करायो हो। खेसि उन में 1933 ईस्वीअ में सिंधीअ जो प्रोफेसर करे रखियो वियो हो। हिन सियासत में बि चङो भेरो वरितो। जॾहिं 1918 ईस्वीअ में डॉक्टर एनी बेसेंट होम रूल लीग जारी कई हुई, त रेस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मिस्टर संतन दास मंगाराम सां गॾु उन में दाख़िलु थियो ऐं भारतवासी अख़बार ज़रिए उन जो ॻोठु ॻोठु ताईं आवाज़ु पहुचायो। जॾहिं रोल्ट एक्ट ख़िलाफ़ु एहतियात करण लाइ हिंदुस्तान में हड़ताल ऐं मेड़ कठे करण लाइ ॾींहुं मुक़ररु कयो वियो, त उन जे फ़ाइदे में हिन हिकु ज़बरदस्त लेख लिखियो हो। उन ते सरकार मथसि बग़ावत जो केस हलायो, चई हीउ माण्हुनि खे क़तल लाइ आमादो थो करे। संदसि बचाव में बम्बई जो ब्रिस्ट मिस्टर बेपस्ता आयो, लेकिन मैजिस्ट्रेट खेसि 2 साल सज़ा ॾेई छॾी। 1920 ईस्वी में आज़ादु थियो ऐं जेल जे समूरा अहिवाल खे तरंग जे तेरथ नाले किताब में ॾिनई। हे सिंध मां टियों नंबर हो जो आज़ादी ख़ातिर जेल वियो हो। संदसि आज़ादु थियण ते हैदराबाद शहर में खेसि हार पाराए सॼे शहर जो गश्त करायो वियो। शाम जो खेसि शहर वासियुनि तरफ़ां मान पत्र ॾिनो वियो। पोइ जे ख़िलाफ़त हलचल खां ॿाहिरि रहियो। संदसि चवणो त सियासत खे मज़हब में दाख़िलु करणु करे ग़लति नतीजो निकिरण जो इम्कान हो। डॉक्टर एनी बेसेंट जे जुमिले पोलगनि वांगुरु हीउ क़त तालुकात हलचल खां बि पासीरो रहियो। उन वक़्तु मुल्क जी हवा उन्हनि तरीक़नि जे फ़ाइदे में हुई। हिनखे मालूम हो त हवा जे बख़िलाफ़ हलण करे हीउ सियासत में पोइते रहिजी वेंदो, पर हिन असूलनि ख़ातिर उहा क़ुर्बानी कई ऐं हाल खेसि सियासी लिस्ट मां लही वञिणो पियो। हिन जी सारी ज़िंदगी मुल्क ऐं क़ौम लाइ वक़फ़ थियल हुई। हीअ सारी उमिरि आरी मज़दूर जो हामी थी रहियो। सिंध आरी जमात जो अवाइली बानियुनि मां हो ऐं वरियुनि जा वरिया हुनजो जनरल सेक्रेटरी कमु कयई।
हिंदू मुस्लिम एकता जो मुख्य आमी हो जदे भी सिंध में किथे हिंद व मुस्लिम नफाक मुंह कढ़ तदे पीर गुलाम मजद सरंदी संतनदास मंगाराम डॉक्टर चमनदास सा गद हमेशा उन्हीं की दफा करने ला कोशिश कंदो ही बेहतरीन अखबार नवीस पिणो पेरी भारतवासी अखबार कढ़ो बंद थे बाद सिंधवासी अखबार जारी क्या है माहवार सुरहान हफ्तेवार सिंध हिराल्ड प्रकाश अखबार कढ़ो सिंधी साथिया सोसाइटी 1922 ईस्वी में बरपा क्यों आई जिनके वसीले सिंध में वो जखीरो किताबन जो छपरी बहार निकतो कई किताब लिखा जनमाकन जहाँ नाला हेठ दिजन था एक सनातन धर्म बो सूफी मत टों सख पंथ चौथों अपनशंद ज्ञान पंजो आनंद दरबार छह आत्म विचार ओम जी आखाणी सत मीराबाई अठ शाह जो आखाणियों शाह की जबान में नव शाह की आखाणी की समझाणी दह सूफी सगोरा यारह सचल सरमस्त बारह सतगुर के चरणन में तेरह कोल तो करियां चौदह मौत आई कोन पंद्रह मौत इकबान सोरह हेमलेट जो तर्जुमो सत्रह तूफान अरह हिसाबी साहब उवीह फाउस्ट वीह एमर्सन एक्वी सिंध सुहारा बवीह जग जगत जो नेताओं टेवी सुराज सागर चौवी सोशलिज्म पंजवी शेक्सपियर जहा सानेट छवी सूफीज ऑफ सिंध सतावी पूरब ज्योति इन 1931 ईस्वी में सिंधी साहित्या कॉन्फ्रेंस शिकारपुर सदारत वक्त जहाँ तकरीर कई हुई वह सिंध मकसद के टिन परचन में छपी हुई जहाँ पढ़ वा है इन पैं अदीबाना जिंदगी में बिन नहायत सख्त इख्तलाफी मसल में मर्द की मुकाबलो किया एक शाह अब्दुल लतीफ की रसाले में मरहूम डॉक्टर होचंद गुरबख्शाणी दारियाँ बेत कड़ी छाया हुआ खोजना मौजूद शाह जहा न हुआ जेठमल पुरसराम उनकी सख्त मुखालफ कई सिंध जहाँ अक्सर अदीब डॉक्टर साहब जहा हामी हुआ वरी उनको मुखालफ हो चई ही बेत धारा हुजन के बावजूद भी रसाले में कढ़ न घुर्बा हुआ सिर्फ उ लिखण काफ़ी हो तो शाह जहा न हुआ या उनके रिसाले के पोया दियण घुर्बो हो मिस्टर जेठमल अवल सूफी हो कोई अदीब इन अदीबी नुकता नगा एवज बेतन की धारन होने सबब कढ़ण के सूफियाना कसौटी से परख्यो थे चे वो बेत गंज रिसाले में मौजूद हुआ शाह जी मजलिस में गायबा हुआ तेकर अगोणे सभी रिसालन में दाखिल थी पाया हुआ असा के शाह जे पैगाम में खे दिसण घुर्जे जेके धारन जा शेर संदस मजलिस में गाया थे पाया तन में वो मालूम थो थे तो शाह साहब उन्होंने बेतन में जिक्र कर नुकतन की मुराद से शामिल राय हो बो इख्तिलाफ सिंधी जबान की सूरत कती धारिन जबान में वरत लफ्जन की बेगत हो सिंधी जहाँ केतरा ही मुसलमान अदीब इस्लाम के मुलावारी तशीर जहाँ कायल होने कर हर गाल की अरबियत के तरजीह दींदा हुआ संदस सिंधी सूरत कती अरबी फारसी खत में होने सबब संद राय मूजिब उनके हर तरह अरबी कानून के मातहत लिखण जरूरी हो मिस्टर जेठमल के मुखालिफन के कड़ी खबर हुई तो इस्लाम की सुफियान तशीर मूजिब वो पा इस्लाम के खायन जानू आमिल हो उनका सवाल वो पक्को सिंधी हो जदीद फलसफाना कौम के असूल मुताबिक हर गाल के सिंधी वेस पारण जो कायल तरफ संदस सही मुखालफत सिंधन के अणवाकिफ होने करे हर गाल के कट्टर मुसलमान वेस पारण जो हामी हुआ उन्हीं ज़हनियत से सिंध के असली भाषण जहाँ नसल बदलाए कन के सैयद कन के फारूकी सिद्दीकी कुरेशी हमजा जो औलाद वगैरह बनाए छो अड़े नजरन पादाश में ही वतन जबान जो खत्म थे जो राग बुधना पवंदा मिस्टर जेठमल की मूसा मुआफियत 1929 के अवल में जिले लोकल बोर्ड कराची की प्रेजिडेंटरी वक्त मिस्टर गिब्सन सा इख्तलाफ थियण बाद थी हातिम अलवी जडे मुझे गत वक्त वाक़े थियल सरगश्त जो साणस अहवाल किया तो रेस भुर्गड़िया पोए इन नौजवान जमींदार कामुर की मुखालफत शुरू कई है उन कर जरूर मिलबो पो जी वाकफियत थी ते वो आखिर वक्त ताई हलंदी आई वो मुझे सियासी मददगार ए सलाहकार तसव्वुफ में उस्ताद दोस्त ए भाव थी पे रो जदे कें भी एक इंसान मुझी जिंदगी से घड़े में घड़ो असर कियो तो वो भाव जेठमल हो कराची लोकल बोर्ड के गश्त में मूसा साणो सिंध में कोऑपरेटिव तरीके जोर वठण में संदा हथो गोठ सुधारा हलचल संदा सलाह मशवर से हलंदी हुई सूफी समागम सूफी राग जो मजलसू संद मौजूदगी रखी रही हुई कांग्रेस से इख्तलाफ थियण वक्त इन मुझी मदद कई हुई इनकी माना वह ना है हर गाल में कट्ठा हुआ हुआसूँ जैसे अल्लाह बख्श वजाज खिलाफ़ मुस्लिम लीग मंजिलगा मस्जिद सवाल हथ में खो तदें अवल में आ उनके खिलाफ हुस पर जैसे केतरा साहब ऑर्डिनेंस पास थियण कर माट कर वेठा तो मूँ वही कम हथ में खो उन कदम का बाज अचण लाए इन मुख्य घणो समझाया मिस्टर जमशेद मेहता ए टहल रामाणी एक अंत गजी मुख्य चयो त सियासी गाल में मजहबी गाल के टपाया आण सिंध के कदीम रवाज के खिलाफ हो उन में नुकसानकार नतीजे निकरण इम्कान हो पर आ उन वक्त हृदयमल के घोड़े से सवार हुस मूँ चयो मां अल्लाह बख्शी वो उतु ही
उनके टोड़न लाइ रथ हलण का कीन घुसंदुस। आखिर आऊँ जेल में वयस। हिंदू मुस्लिम फसाद थे, सिंध जहा अक्सर हिंदू नाराज थे, लेकिन जेठमल टेल रामाणी दिल कोसी न मुझी मदायन जी कल प्रिया पेई कदें कोसा न थिया डोरापो डेई साजन सभी ढकियम ढोल ढलायूं। मुख्य याद आए तो सनवारे बंगले में एक ढी सुबह जो दिसा तो मौज में वेठो है पुछो मांस तो दादा छा डिठो अथ चयाई तो सुबह जो दरिया ए बेले मजा उभरंदे सिज वालत आंदी अथम उन वक्त ही बेत उचारे हो तो नेरा नाई नेण नेई आछ प्रिय खे नेरा नाई नेण नेई आछ प्रिय खे तन सत्तर खादा खेण तन सत्तर खादा खेण जन डिठो मुँह महबूब जो। असाजे कर्मन जो फल जैसे हिंदुस्तान का टुकड़ो मुल्क जो जुदा करे पाकिस्तान कायम कर तरह तरफ हिंदू मुस्लिम फसाद थे लगा रत जहा रेला वहन लगा। इन सूफी मर्द लाए वह दर्दनाक हालत सहन का मथे हुई हिंदू लड़न लगा पर ये अटल थी ते वेही रो चे वतन के किए छबो हकदम बारह आयल पनागरें की मदद इतने जिंदुन अकलियतन की जमायत ठाराए वो सिंधे सेर से निकरी हिंदुन के समझाण हलो तो वतन छे वजी न वनो पर इनकी कें भी न बुधी उन्हें गाल हणी इनके बीमार कर विधो संदस कुटुंब अग में ही बंबई वही चुको लाचार जैसे इलाज जो बहानो डेई खेस बंबई खड़ाए पे वह तद आऊँ जहाज से खेस मिलण वयस मास दादा अवं पिरन हो तो सिंध कें छीस हाँ छो था वनो चयाई तो बीमारी कर खड़ी वन था सुगो थे बाद मोटी इंदुस पर मोटी कें आयो। आखिर बंबई का दादा लालचंद खत आयो तो अदा साई असो प्रीतम जेठमल पुरुषराम अज सुबह जो बी बजे राह रबानी वी रमदो रो पिछाड़ी वा सत ढी सेंट ट्रियाज अस्पताल में रो इलाज घना ही क्या वह पर फकिन फर्क न कर छिज लाए 1948 से ध्यानत क्या है।